गवर्नमेंट जगह है जहाँ पर आप हेवलॉक नील और लिटिल अंदमान के लिए बुकिंग कर सकते हैं। ये शिप है भाई अपनी बम्बू का और ये रिसोर्ट का प्राइवेट बीच है। कभी मैं जा रहा हूँ स्नॉर्कलिंग करने के लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बज रहे सुबह के 6, हम लोग यानी हो गए हैं रेडी और पोर्ट ब्लेयर से निकल रहे हेवलॉक के लिए और रिक्शे को भी बुला लिया है और हम लोग अभी जाएंगे DSSR यानी शिपिंग सर्विस के इधर, जो अपने इधर बोलते हैं भाव का धक्का, वैसा वहाँ जाएंगे। वहाँ से शिप है तो शिप से निकलेंगे। यहाँ पर अभी हम लोग 4 दिन रुके थे और बहुत अच्छा स्टे था यहाँ का, अंदमान वेकेशन होम। बाकी अभी रिक्शे का वेट करते और फिर निकलते। सामान तो हो गया है रेडी अपना। रिक्शा आ गई, हम लोग निकल रहे। अभी हम लोग पहुंच गए हैं अपने फेरी के इधर। 6:30 बजे का फेरी है, लाइन है, चेकिंग वेकिंग देखते हैं। यहाँ से जाना है फिनिक्स बे गेट नंबर 2। सो अभी हम लोग का चेकिंग हो गया है और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने जेटी के लिए। और यहाँ पर ये गवर्नमेंट फेरी है यानी गवर्नमेंट बुकिंग की है हम लोग ने, जो कि 6:20 का था। और इसकी डिटेल मैं वीडियो में आगे दे रहा हूँ। और आपको यहाँ पर 2 से 3 दिन पहले आके बुकिंग करनी पड़ेगी। तो अभी हम लोग जो आए हैं वो डायरेक्टरेट ऑफ शिपिंग सर्विस यहाँ पर पहले आए, क्योंकि यहाँ से हेवलॉक के लिए बुकिंग करनी है गवर्नमेंट फेरी की। ये यहाँ पर शिप टिकट एडवांस रिजर्वेशन सेंटर में आना पड़ेगा आपको, यानी यहाँ पर 3 दिन पहले टिकट बुक करनी पड़ेगी। हेवलॉक और नील के लिए आपको इधर आके टिकट बुकिंग करना पड़ेगा। ये ऐसा फॉर्म भरना पड़ेगा आपको हेवलॉक और नील आइलैंड के लिए और लिटिल अंदमान जाने के लिए। सो अभी मैं जिस जगह पे हूँ वो है DSS डायरेक्टरेट शिपिंग सर्विस, गवर्नमेंट जगह है जहाँ पर आप हेवलॉक नील और लिटिल अंदमान के लिए बुकिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको यानी बजट में ट्रैवल करना है तो आप यहाँ पर आके अपनी टिकट बुकिंग कर सकते हैं, बट एडवांस में आपको बुकिंग करना पड़ेगा यहाँ पर। इधर का जो टाइमिंग है वो है मंडे टू फ्राइडे 9 to 4 और बीच में 1 से 2 इनका लंच ब्रेक होता है और सैटरडे को 12 बजे तक रहता है 9 to 12 और संडे ऑफ। और यहाँ का जो टिकट प्राइस है हेवलॉक का जो हम लोग ने लिया है वो है, सीटिंग 2 है, एक सीट और एक चेयर। तो सीट का जो है वो 6:20 है और जो चेयर का है वो 8:40 है। लेकिन आपको ये है कि यहाँ पर जल्दी आना पड़ेगा वरना फिर क्रूज़ से जाना पड़ेगा और वो क्रूज़ जो है मैक्रूज़ है जो फेमस है वो है बहुत महंगी, 1500 अराउंड हो जाएगी, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा है। तो बेटर ये है कि आप यहाँ पर आएँ और 2-3 दिन पहले और एडवांस बुकिंग कर लें और हेवलॉक के लिए निकले। मैं आगे की जर्नी अपनी कंटिन्यू करता हूँ। और अगर आपको क्रूज़ से जाना है तो वो हाडो जेटी से जाता है और ये फिनिक्स बे है। हेडो जेटी से है आपको 2-3 मिल जाएगी, ग्रीन ओशन, मैक्रूज, नॉटिका वगैरह। ये शिप है भाई अपनी बम्बू का। हेवलॉक के लिए का टाइमिंग जो है जो यानी 3 जो छुट्टी है, 1 6:30 है, 1 2 बजे और 1 4:30 बजे। ये शिप है अभी अंदर जा रहे हैं। हेवलॉक आइलैंड पे, जिसका नाम अभी चेंज हो गया स्वराज द्वीप आइलैंड हो गया है। 3 घंटा लगा हम लोग को पोर्ट ब्लेयर से हेवलॉक पहुंचने के लिए और अभी यहाँ पर आगे चल के अभी हम लोग को रूम्स वगैरह लेने हैं, तो चेक करते जाके देखते हैं क्या किधर ले सकते हैं। अभी हम लोग हेवलॉक में है और ये हेवलॉक से नील जाने के लिए गवर्नमेंट ऑफिस है जो कि हेवलॉक की पोस्ट ऑफिस है, बाजू में है। और आपको यहाँ पर आके बुकिंग करनी पड़ेगी अगर गवर्नमेंट फेरी से जाना है तो। तो अभी हम लोग ने टिकट ले लिया है हम लोग का नील आइलैंड के लिए, यानी एडवांस में ले लिया है। और अभी हम लोग निकल रहे हैं होटल ढूंढने के लिए, क्योंकि होटल जो बजट प्राइस वाले होटल है
वो ऑलमोस्ट सारे फुल है और अभी देखते हैं किधर लेते हैं। और हम लोग ने बाइक लिया है 500 रुपीज पर डे का, ये हमारी बाइक है और एडवांस 1500 रुपीज देना पड़ता है वहाँ पर। अभी हम लोग ने वंडरलैंड रिसोर्ट में बुकिंग ले लिया है, मैं आपको अभी मेरा रूम दिखाता हूँ। ये है, ये है, ये क्या बा, ये वो है ना साइड से मैट जैसा, हाँ ये अपने इधर जो चटाई रहती ना वैसा। और ये वॉशरूम है, और यहाँ पर ये सारे रूम्स है और इधर बीच है। वंडरलैंड रिसोर्ट का ही व्यू है और ये रिसोर्ट है यहाँ पर सारे। और ये रिसोर्ट का प्राइवेट बीच है तो आप यहाँ पर आके रिलैक्स कर सकते हो, बहुत ही प्यारा व्यू है देख सकते हो आप। अभी रूम से फ्रेश होके रेडी होके निकल गए हैवलॉक को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पर तो मेन तीन ही चीज़ है, राधानगर बीच, काला पत्थर बीच और एलिफेंट बीच, जहाँ पर एक्टिविटीज़ होती है। जेटी से उतरने के बाद आपको बाइक्स मिल जाएगी, होटल्स वगैरह भी वहाँ पर मिल जाएंगे अगर लक रहा तो। 3 किलोमीटर दूर हम लोग ने लिए है वंडरलैंड बीच रिसोर्ट, अभी यहाँ से निकल रहे हैं। बाकी तो प्राइजेस मैंने बता दिया आपको बाइक का, और रूम का जो है वो हम लोग को 1000 रुपीज़ नॉन एसी, और विथ एसी लोगे तो 1500। और यहाँ पर सामने भी आपको बहुत सारी लाइन से रिसॉर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे, कैफे रेस्टोरेंट है सामने। अभी हम लोग निकल गए हैं काला पत्थर बीच के लिए। और यहाँ के रास्ते बहुत ही खूबसूरत है यार, क्या मस्त लग रहा है। वेलकम टू काला पत्थर बीच। तो अभी मैं पहुंच गया हूं काला पत्थर बीच और ये रहा बीच, यहाँ का बहुत ही फेमस और बहुत ही ग्रीन ब्लू वाटर और वाइट सैंड। और अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा डुबकी लगाएंगे। काला पत्थर बीच पे एक्टिविटीज़ नहीं होती, यहाँ पर आप आके नहा सकते, इंजॉय कर सकते, एकदम बहुत अच्छा है। आप एक बार पानी में जाएंगे ना तो निकलने का मन ही नहीं करेगा आपका। सो दिस इज काला पत्थर बीच आई गेस, ये जो रॉक के कोरल्स बन गए ऐसा उसके वजह से शायद काला पत्थर नाम है। और ये सनराइज पॉइंट है, हम लोग तो अभी दोपहर में आए, ट्राई करेंगे कल मॉर्निंग में उठ के यहाँ पर आने की, क्योंकि यहाँ पर जो सनराइज है वो 5 बजे 5:30 बजे होता है। अभी तो फिलहाल एंड तक के चल के जा रहे हैं। बीच के सामने आपको बहुत सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे, नारियल पानी, चाय नाश्ते के बहुत सारे स्टॉल्स है और कपड़े के भी है, शॉर्ट्स वगैरह भी आप ले सकते हैं। अभी हम लोग राधानगर बीच पे आ गए, जो यहाँ का फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, जहाँ ज़्यादा लोग पब्लिक मिलेगी आपको। और यहाँ पर आपको लॉकर सिस्टम भी मिल जाएगा, यानी आप अपना बैग वगैरह रख सकते हो। और ये बीच है, आइलैंड फोटोग्राफी भी है। ये राधानगर बीच है, यहाँ पर भी आप नहा सकते हो, लेकिन वो सब ये साइड से वो बाउंड्री लगी हुई है, वो बाउंड्री के अंदर आप नहा सकते हो। तो अभी मैं जो हूँ राधानगर बीच पे हूँ, यहाँ पर अभी तो बहुत यानी कोई टूरिस्ट है नहीं, और अभी दोपहर का टाइम है, शायद इवनिंग में आएंगे सनसेट के लिए यहाँ पर आते, ये बीच सनसेट के लिए फेमस है। और आप हैवलॉक को 2 दिन दे सकते हैं, जिस दिन आप यानी हैवलॉक में आएंगे उस दिन आप है ना, अगर आपको एक्टिविटीज़ करनी है, और ये एक्टिविटीज़ करने के लिए ही फेमस है यहाँ पर, सुबह स्नॉर्केलिंग और सारी एक्टिविटीज़ जो भी करना है, लेकिन वो सारी जो एक्टिविटी है वो एलिफेंट बीच पे होती है। और वो उधर 1 बजे से पहले आपको एंट्री लेना है और 4 बजे तक के रहता है वो। तो आप पहला जिस दिन आएंगे उस दिन आप वो एलिफेंट बीच चले जाओ, वहाँ पर एक्टिविटी करके फिर आप राधानगर बीच पे आ जाओ, यहाँ पर सनसेट देखो, आराम से एंजॉय करो, नहाओ आओ
और फिर रूम पे जाके रिलैक्स करो और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठ के सीधा डायरेक्टली काला पत्थर बीच चले जाओ, वहाँ पर सनराइज़ देखो, आराम से रिलैक्स होके आओ, दोपहर में खाओ, फिर 2:30 बजे की फेरी लेके नील आइलैंड के लिए निकल जाओ। तो अभी हम लोग भी वही करने वाले हैं और बाकी तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं, एक्टिविटीज़ रिलैक्स, नहाओ और फुल जो पोर्ट ब्लेयर में थक के आए हो आके यहाँ पर रिलैक्स करो। क्लीन एंड क्लियर बीच एकदम, नहाने का आपको एकदम मज़ा आएगा यहाँ पर। टाइम पास करो, इन्जॉय करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर भी करो। एलिफेंट बीच के लिए आपको यहाँ से बोट मिल जाएगी 1000 रुपये में आने जाने के लिए और 5 साल के बच्चे का 500 रुपये आने जाने का। जेट्टी के बाहर थोड़ा निकलेंगे तो मार्केट है, वहाँ से आपको बस मिल जाएगा हर हाफ एन आवर में राधा नगर के लिए और काला पत्थर बीच के लिए। और यहाँ पर आसपास कोई एटीएम नहीं है, एटीएम से अगर कैश निकालना रहेगा तो आपको 2.5 किलोमीटर दूर है, तो वो एक चीज़ याद रखो आप, तो कैश थोड़ा कैरी करो। और ये बस के टाइम टेबल है राधा नगर और काला पत्थर के लिए, तो आप स्टॉप करके देख सकते हैं। मैंने रिक्शे का इंक्वायरी किया, रिक्शा अगर आपको राधानगर बीच जाना है तो आने जाने का 700 रुपये है और काला पत्थर आने जाने का 500 रुपये है और अगर दोनों करते हो तो 1200 रुपये है। तो ये रिक्शे का फेयर है अगर आपको रिक्शा करना है तो। जेटी के पास से यहाँ पर जो मार्केट है, यहाँ से जहाँ पर बस मिलती है वहाँ से रिक्शा भी मिलता है, तो रिक्शे का ये प्राइस है और बस का प्राइस 25 रुपीज़ है। अभी देखते हैं बस में चढ़ के, बस आएगी तभी, हम लोग बस के लिए वेट कर रहे हैं। एलिफेंट बीच जा रहे हैं अभी हम लोग एक्टिविटी करने के लिए। एलिफेंट केव जाने के लिए जैसे ही आप यानी ट्रैकिंग का रास्ता स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर एंट्री पॉइंट पे आपको नाम एंट्री करना है आपका, गाइड भी मिलेंगे, वो भी लेके जाएंगे बोल रहे 500 रुपये वो लेंगे अगर आपको गाइड करना है तो, अदरवाइज आप भी ट्रैक करके जा सकते हैं। 2 से 3 किलोमीटर का ट्रैक है, 50 मिनट बोल रहे हैं अप्रॉक्स, अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा हैवलॉक की ट्रैकिंग। तो अभी बज रहा है 10 और अभी हम लोग ने ट्रैक स्टार्ट कर दिए और अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा ट्रैक करके जाने में एलिफेंट बीच के लिए, फिर वहाँ पर जाके देखेंगे एक्टिविटीज़ का क्या है, क्या चार्जेस है। यहाँ पर आप 1 बजे से पहले ही एंट्री कर सकते हैं और बोट का मैंने आपको बता दिया है कितना चार्जेस है, अगर आपको बोट से नहीं करना है तो आप यहाँ पर आके ट्रैक कर सकते हो। आपको बीच में बोट दिख जाएंगे, एलिफेंट बीच जाने के लिए सब बोट भी बीच में लगाया हुआ है, वे दिखाया हुआ है। तो अभी फिलहाल तो 10 मिनट की ट्रैक करके हम लोग यहाँ पर पहुंचे और गाइड ने बोला था कि स्नेक वगैरह एलिफेंट वगैरह नहीं दिख सकते तो थोड़ा केयरफुली वॉक करना है। हाँ बोला ऐसा, हम लोग के साथ एक अंकल आंटी आ रहे थे तो उन्होंने सुने कि स्नेक और एलिफेंट दिखेगा, वो डर से यहीं से रिटर्न हो गए। ट्रैक बनाया है ऑब्वियसली तो सेफ ही होगा, यानी ऐसा रिस्क वाला रहेगा तो लोग अलाउ ही नहीं करते जाने के लिए। हाँ भाई हाँ, अभी वो तो कोई भी जंगल में आपको स्नेक वगैरह का तो कुछ टाइमिंग थोड़ी ना, कहीं से भी आएंगे कोई भी ट्रैक पे आपको मिल सकते हैं, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि यानी। हाँ और यहाँ पर ये बैठने के लिए हट्स भी बने हुए, आप यहाँ रेस्ट भी कर सकते हो, कुछ खा सकते हो, देखो डस्टबिन बना हुआ है। ये देखो ऐसा वे टू एलिफेंट बीच के लिए बोट्स है, कोई इतना ऐसा नहीं भटकने का तो फिलहाल अभी तक के कोई चांस लगा नहीं है और अभी तक के तो हाँ और अभी तक की तो ट्रैकिंग इतनी कुछ नहीं इजी थी, ऐसा कुछ तो डिफिकल्ट नहीं लगा, बाकी अभी आगे देखते हैं। वो बोला था 50 मिनट्स लगेगा, चढ़ने को लगेगा नहीं, चढ़ने को लगेगा। अभी हम लोग पहुंच गए हैं मैंग्रोव प्लांटेशन और हाँ अभी का रास्ता ऐसा है, अरे भाई वो इधर ऐसा है ना, एक बार मैं वहाँ चले गया था ना वज्राई वाटरफॉल तो पूरी लीच चिपक गई थी मालूम मेरे पैर पे। हाँ आधा घंटा हो गया हम लोग को ट्रैक करके और मैंग्रोव प्लांटेशन का वो एरिया पार कर लिया, वहाँ पर पानी वगैरह है थोड़ा सा तो वहाँ पर थोड़ा ध्यान से ट्रैक करके फटाफट अभी हम लोग यहाँ पर आ गए। बोट की आवाज़ तो आ रही है अभी, अभी ये इस एरिया से हम लोग बाहर निकले और बाहर निकलते ही ये रहा एलिफेंट बीच का एरिया। तो अभी मेरे पीछे जो है ये एलिफेंट बीच है, और यहाँ पर आप सब एक्टिविटीज कर सकते हैं, स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, सी वॉक, जेट स्की सब, राइट। तो मैं सबका प्राइस है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अभी चल के स्नॉर्कलिंग करते और एंजॉय करते एलिफेंट बीच को। तो अभी मैं जा रहा हूँ स्नॉर्कलिंग करने के लिए यहाँ पर,
स्नॉर्कलिंग का एक्टिविटी हो गया मेरा, बहुत ही अमेजिंग एक्टिविटी था 1000 रुपए में, और दो है यहाँ पर 1000 रुपए में शॉर्ट राउंड और एक 1500 में, उसमें आपको फोटो और वीडियोस दोनों देंगे। लेकिन बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस, अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो स्नॉर्कलिंग तो जरूर करो। स्कूबा डाइविंग भी है और सी वॉक भी है, वो थोड़ा कॉस्टली है, 3500 के ऊपर है। स्नॉर्कलिंग में तो मजा आ गया एकदम। और अभी देखते हैं कुछ और दिखा, कुछ और राइड रहेगी तो राइड करूंगा, नहीं तो फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे। जेट्स की राइड भी हो गया है और अभी मैं निकल रहा हूँ वापस अपने होटल के लिए। सनराइज मिलेगा उधर में तो बोट ही, अपने बीच के पीछे। हाँ, सुबह सुबह उठना पड़ेगा, बीच के पीछे ही सनराइज मिलेगा। अभी मैं आ गया हूँ अपने रिसोर्ट पे, तो आई होप ये है व्लॉग का वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।